हेलो एवरीवन वेलकम टू चैनल चैनल में पर आप का बहुत बहुत स्वागत है दो अक्टूबर दो हजार तेईस सेकेंड अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री दो बड़े काम हुए हैं के वी रिजल्ट से लेके रिलेटेड तो ये दो बड़े काम क्या है और जब के वी रिजल्ट से रिलेटेड ये दो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं कैंडिडेट्स ने तो उससे कुछ जो है खबर निकल के आई है के वी हेड क्वार्टर से सीधे जो कि रिलेटेड है केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी रिजल्ट्स की डेट से डिक्लेरेशन डेट से तो चलते हैं देख लेते हैं पूरी अपडेट सबसे पहले तो आपको बता दू कि ये जो अभी आप देख रहे हैं ट्वीट रिलीज केवीएस पीआरटी रिजल्ट ये जो है ना एक लाख टोटल ट्वीट हुए सेकेंड अक्टूबर की डेट पर रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए ये ट्वीट एक लाख और एक वक्त ऐसा था कि ये ट्रेंडिंग में था तो ट्विटर पर इतने बड़ा इतने बड़े नंबर पर कैंडिडेट्स जुड़े और रिजल्ट की उन्होंने मांग रखी और ये ट्रेंडिंग में भी आ गया तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है अचीवमेंट है कि आ, इतने सारे कैंडिडेट एक साथ एकजुट हुए एक प्लेटफॉर्म पर इतने बड़े नंबर पर कि वो ट्रेंडिंग में आ गया था एक वक्त के लिए तो जब ट्रेंडिंग में आ गया तो ऑब्वियसली हमारे जो शिक्षा मंत्रालय और बाकी जो मंत्रालय हैं उन तक खबर नहीं गई होगी ऐसी बात नहीं है तो पहला तो ये बहुत बड़ा काम हुआ दूसरी जो चीज़ है कुछ कैंडिडेट गए थे पहला तो ट्वीट किया बहुत बड़े नंबर दूसरे जो कुछ कैंडिडेट गए थे और एक बड़े यूट्यूबर है वो भी गए थे और वो सभी गए थे केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली हेडक्वार्टर जो है वहां पर ज्ञापन देने ज्ञापन यही था कि रिजल्ट आप जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करें तो जब आप ज्ञापन दे रहे होते हैं तो कोई ना कोई ऑफिसर आपसे इंटरेक्ट करता है तो उनसे जब पूछा जाता है कि हाँ कब तक आएगा क्योंकि आप ज्ञापन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसी काम के लिए गए तो वही पूछते हैं आप कि आ, कब तक आ जाएंगे कब तक आ जाएंगे तो उसी में से किसी संबंधित व्यक्ति ने बताया कि भर्ती का रिजल्ट केवीएस प्राइमरी भर्ती का रिजल्ट जल्दी घोषित करवाने के लिए ज्ञापन दिया गया जिसमें पता चला कि केवीएस संगठन प्राइमरी भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करेगा और प्राइमरी भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट भी बहुत जल्दी घोषित होगा और इसी महीने के एंड में मतलब ये अक्टूबर मंथ शुरू हुआ अक्टूबर मंथ के एंड में इंटरव्यूज भी शुरू हो जाएंगे तो अक्टूबर मंथ के एंड, एंड में और ये जो महीना चल रहा है इसी महीने के एंड में इंटरव्यूज भी स्टार्ट हो जाएंगे और इंटरव्यू के पहले आपको पता है पंद्रह दिन का वक्त ज़रूर दिया जाता है प्रिपरेशन के लिए तो इसका मतलब है कि पंद्रह या बीस अक्टूबर तक आपको जो लेटेस्ट पीआर के रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे इसी तरीके से पी जी टी की भी बात हुई होगी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी रहते हैं तो उसमें भी बताया गया कि हाँ बीस बीस पच्चीस अक्टूबर के अराउंड जो है पी या टी के भी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे तो ये अपडेट निकलकर कर हेडक्वार्टर से आई है जब ही कैंडिडेट ज्ञापन देने पहुंचे थे तो होप कि ये जो कंसर्नड संबंधित व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बात कही होगी ऐसे ही आ, बातों के बातचीत के क्रम में वो बिल्कुल पॉजिटिवली कही गई होगी और सच में ऐसा ही होगा तो ऐसा होगा तो अक्टूबर में ही सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे होप फॉर द बेस्ट जो जो कैंडिडेट वहां गए जो भी यूट्यूबर वहां गए थे उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आ, सभी कैंडिडेट्स के बिहाफ में ये सारे कैंडिडेट्स गए और इन्होंने ज्ञापन भी दिया बड़े नंबर पर ट्वीट भी हुआ इससे हमारे जो शिक्षक पूरा जो शिक्षक मंडली है उनकी एकजुटता भी सामने निकल कर आती है वक्त बेवक्त